असलम वेलकम बैक टू माय चैनल सर्फ टेस्टी आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सा डिजर्ट बनाएंगे जो कि है पाइनएपल एंड चेरी डिलइट ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत ही क्विक बन जाता है तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या किया है एक पैरक्स का डिश लेंगे हम इसको बटर से ग्रीस कर देंगे साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है मल्टेड बटर वन हंड्रेड ट्वेंटी ग्राम्स थ्री फोर्थ टू वन कप आलमंड स्लाइसेस वन टेन मैंने चेरी पाई फिलिंग लिया है वन पैक वनीला केक मिक्स लिया है एंड ये केन्ड पाइनएपल्स है जिसका सिरप मैंने रिमूव करके रख लिया है फर्स्ट स्टेप हमारा होगा हम सारी चेरीज को डिश में डालेंगे और इसे स्प्रेड कर लेंगे अगर आपको पाइनएपल फ्रेश यूज़ करना है तो आप स्लाइसिस करके इसे शुगर सिरप में बॉइल कर कर फिर आप यूज़ कर सकते हैं वरना ईजिली है आप बाज़ार से टीन वाला पैनएपल ले लीजिए बहुत ईजिली अवेलेबल होता है चेरी को स्प्रेड करने के बाद हम सारे पाइनएपल के स्लाइसेस लगा लेंगे स्लाइसेस अरेज, अरेज करने के बाद हम इसके ऊपर डाल लेंगे वनीला केक मिक्स सारा अच्छी तरीके से डालेंगे और स्प्रेड कर देंगे स्प्रेड करने के बाद हमारे पास जो मेल्टेड बटर रखा हुआ है 120 ग्राम्स मैंने लिया था इसे सारा मेल्टेड बटर हम इसके ऊपर डाल देंगे मुझे यहाँ पर बटर थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थर्टी ग्राम्स बटर और लिया है और मेल्ट करके फिर मैंने लाया है तो टोटल हमें लगा है वन हंड्रेड एंड फिफ्टी ग्राम्स बटर इसके बाद हम इसके ऊपर आलमंड्स डालेंगे almonds कम मत डालिए क्योंकि बेक होने के बाद इसके क्रंच आलमंड क्रंच बहुत ही मज़ेदार लगता है तो डालिए आप लोग फिर से हम बेक करेंगे प्रीहेटेड ओवन में 180 एटी डिग्रीज फॉर थर्टी एट मिनट्स टू फोटी फाइव मिनट्स के बीच तक हमें बेक करना है फर्स्ट आप इसे 38 एट मिनट्स बेक कीजिए और चेक कीजिए अगर आपकी टॉप लेयर डेजर्ट की टॉप लेयर अगर लाइट ब्राउन हो गई है तो फिर आपका बेकिंग कम्प्लीट हो गई है अगर नहीं तो फिर दो छः चार मिनट और बेक कर लीजिए आपका डेजर्ट बनकर रेडी हो जाएगा बहुत ही मजेदार सा बहुत ही क्विक सा डेजर्ट बनता है इसे जरूर ट्राई कीजिए रेसिपी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ पहले देखने मिले अल्लाज